सभी का स्वागत है। ठीक है, कल हम लोगों ने ये बात रखी थी कि सुख हमारा स्वभाव है या प्रभाव, इस पर बात शुरू की थी और ये कहा था कि अभ्यास एक और अभ्यास दो में मुख्य रूप से देखेंगे, तो हम लोग इसी बात को देखने का प्रयास कर रहे थे कि सुख हमारा स्वभाव है या प्रभाव। खास करके अभ्यास एक में तो यही प्रयास किया हम लोगों ने कि हमको ये दिख जाए कि हमारा सुख हमारे भाव विचार पर निर्भर करता है और हमारा भाव हमारे जो अभी तक की मान्यता है, जो संस्कार है, उससे तय होता है। ये भी हम लोगों ने देखा कि हम अपने सहज स्वीकार्यता के आधार पर, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर ये जांच परख कर सकते हैं कि कौन सा भाव हमारे लिए सहज है, कौन सा भाव असहज है, कौन सा सुखद है, कौन सा दुखद है। तो होश पूर्वक देखने का, अपने भाव को और उसका मूल्यांकन करने का जो काम है उसको अगर हम ठीक से करें तो धीरे धीरे हमारे भाव में बदलाव होने लगता है। जो सहज और सुखद भाव है उसकी कंटिन्यूटी होने लगती है, जो असहज है, जो दुखद है, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है या खत्म होने लगता है। तो इस पूरे प्रोसेस में हम लोग ये देख पाए कि जो हमारा सहज भाव है, जो हमारा स्वभाव है, उसको अगर हम ठीक ठीक पहचान लें और उस स्वभाव में हम स्थित हो जाएं, तो हम अपने में संगीत में रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने अभ्यास एक में देखा। जितने भी सीमा तक हम उस काम को कर पाए हों, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी तो हमको दिख गई है कि ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो प्रश्न अब यही है कि हमको अपने पर काम करना है, अपने स्वभाव को पहचानना है अपनी सह स्वीकृति के आधार पर और अपने स्वभाव में स्थित होना है। जितना जितना ये हम करते जाते हैं उतना उतना हम अपने में हार्मनी में रहते हैं, सुखी रहते हैं। तो ये बात कि सुख हमारा स्वभाव है, इसको देखने का काम हम लोगों ने अभ्यास एक में शुरू किया है और उसका एक ग्लिम्स तो हम लोग को मिला ही है, उस पर आगे काम करने की जरूरत है। ये भी हम लोग देख पाए हैं कि ये जो प्रभाव के रूप में सुख पाने की कोशिश हम करते रहे हैं, चाहे वो अनुकूल संवेदनाओं को पाकर सुखी होना या अनुकूल भाव पाकर सुखी होना, उन दोनों से जो सुख मिलता है वो बहुत सामयिक है ना, उसकी निरंतरता नहीं है। और ध्यान से देखें तो वो आवेश ही है, सुख नहीं है। ऐसी स्थिति नहीं है जो हमारे में आराम देता हो हमको और हम अपने में उसको बनाए रखना चाहते हैं। तो वो क्षणिक सुख भी सुख है, एक तृप्ति की स्थिति है या एक आवेश है, ये प्रश्न बहुत बार बात किया गया ही है, आप लोगों ने उसको अपने पर देखा ही होगा। तो ये जो बाहर से कुछ पाकर सुखी होने का जो मॉडल है हमारा, उससे सुख की निरंतरता नहीं हो सकती, ये तो पक्का है, इतना तो ध्यान चला गया है। और ये बात पर भी ध्यान चला गया, कम से कम उसका ग्लिम्स मिल गया हमको कि अपने में स्वभाव में स्थित होते हैं, अपने सहज स्वीकृत भाव में स्थित होते हैं तो हम सुखी होते हैं। तो इस दृष्टि से सुख हमारा स्वभाव है और हम अपने स्वभाव को पहचान लें कि संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व का भाव ही हमारे लिए सहज है, सुखद है, तो धीरे धीरे हम अपने भाव को स्वभाव के अर्थ में व्यवस्थित कर सकते हैं और उस स्वभाव में रहते हुए हम सुखी रह सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी तो हमको दिख गई है, उसके डिटेल्स को हम लोग धीरे धीरे उस पर काम कर ही रहे हैं सभी लोग। तो ये बात हम लोगों ने कल ध्यान दिलाया था कि अभ्यास एक में इस काम को कर रहे हैं और ये भी कहा था कि एक बार हम अपने में सहज भाव, सुखद भाव के साथ हैं, अपने स्वभाव में हैं, तो उसके अभिव्यक्ति के रूप में परस्परता में हम जो व्यक्त होते हैं उसके तहत हम हमारा व्यवहार सही रहता है, कार्य सही रहता है, व्यवस्था में भागीदारी सही रहती है, हमारा व्यवहार उभय सुखकारी होता है, हमारा कार्य हमारे और प्रकृति के लिए समृद्ध करने वाला होता है और हमारी व्यवस्था में भागीदारी जो है हमारे लक्ष्य को पूरा करने वाली होती है।
और उसका विस्तार अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में दिखाई पड़ता है। ये सारी बातों को हम लोगों ने देखा या कम से कम उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। उसके संदर्भ में यह कहा कि ये जो हमारा जीना है परस्परता में, वो हमारे अपनी स्थिति का वैभव है। तो जब हम अपने में संगीत में रहते हैं, सुखी रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, तो हमारा जो परस्परता में जीना है हमारे वैभव के रूप में, वही स्वराज्य के रूप में पहचान में आता है। तो इतनी बात हम लोगों ने कल की थी। आज जो अगली बात हम लोग करना चाहते हैं इसी से जुड़ी हुई, वो यह है कि हम अपने स्वभाव में है या प्रभाव में है, उसको इस आधार पर हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि अभी हमारे जीने का केंद्र क्या है। तो उसको हम लोगों ने एक तरह से व्यक्त किया है, रखा है। उससे आपको इस बात का मूल्यांकन करने में सहयोग मिलेगा कि आपका जीने का जो लेवल है या जीने का केंद्र है वो क्या है, और उस आधार पर आप ये देख पाएंगे कि अभी भी आपका ध्यान बाहर से सुख पाने पर है या अपने स्वभाव में स्थित होकर सुख को सुनिश्चित करने में है। तो उसके दृष्टि से ये बात हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है कि हम अपने से पूछ सकें कि हमारे जीने का केंद्र क्या है। तो इस प्रश्न को हम लोग पूछ रहे हैं। तो ये छह पॉसिबिलिटी है हमारे जीने का केंद्र सुविधा हो, हमारे जीने का केंद्र शरीर हो, हमारे जीने का केंद्र संवेदना हो, हमारे जीने का केंद्र संबंध हो, संबंध में भी ये दूसरे से भाव पाना हमारे जीने के केंद्र में हो, या स्वयं में भाव को सुनिश्चित करना हो। उससे और ऊपर जाएंगे तो हमारे जीने का केंद्र हमारा स्वयं मय हो जाए, और उसमें भी कल्पनाशीलता हमारे केंद्र में है, या हमारे जो मान्यता है, स्वीकृति है, संस्कार है, जो कल्पनाशीलता के पीछे है ना होती है, जो कल्पनाशीलता को तय करती है, वो हमारे जीने के केंद्र में है। या और ऊपर जाएं तो जो शुद्ध दृष्टा है, जो साक्षी है, जहाँ से हम सहज स्वीकृति को एक्सेस कर रहे हैं, वो हमारे जीने के केंद्र में है। और ऊपर जाएंगे तो साक्षी होते हुए, दृष्टा होते हुए हम संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व को देखने का जो काम कर रहे हैं, तो अंततः गत्वा सहस्तित्व में जो को देखना है, सहस्तित्व में अनुभव होना है, सुनने को देखना है, वो हमारे जीने के केंद्र में है। तो अल्टीमेटली जो साक्षी होना, दृष्टा होना, शुद्ध दृष्टा होना, और वहां पर सहस्तित्व को देख पाना, सुनने को देख पाना, वो हमारे जीने के केंद्र में आ गया है। तो ये अपने से पूछना है हमको सवाल कि इन सब में से कहाँ, कौन सा हमारा जीने का केंद्र है अभी के समय। इससे हमको ये सहयोग मिलेगा देखने में कि हम सुख को कैसा देख रहे हैं और कहाँ से सुख पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो 6, 5 और 4 की जगह पर हम जी रहे हैं, और 3 में भी, 3B में अगर जी रहे हैं, तो हम सुख बाहर से पाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऊपर 3A में गए, हम 2 में गए, 2 में भी साक्षी की जगह पर हैं, और 1 पर हमारा ध्यान चला गया है अस्तित्व में, अनुभव पर, अस्तित्व को देखने पर, दृष्टा की जगह पर, और वो हमारे जीने का केंद्र हो गया है, तो फिर हम अपने में, अपने स्वभाव को देखने का, अपने स्वभाव में स्थित होने का, उसके आधार पर सुखी होने का काम कर रहे हैं। तो हमको दिख रहा है कि सब सुख जो है मेरे अंदर है, और इस सुख के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। तो इन 6 जगहों पर देखने का काम करिए। मुझे लगता है कि 5 मिनट आप लोग इस पर, या 10 मिनट इस पर ठीक से देख लीजिए कि हमारे जीने का केंद्र कहाँ है। उसके बाद हम लोग आपसे पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि कहाँ आपके जीने का केंद्र है। तो ठीक है शर्मिला जी, 10 मिनट आप सेशन को देख लीजिए, लोग अपने पर काम कर लें, फिर मैं वापस पूछूंगा कि क्या दिखता है उनको।
उस पर कोई चर्चा की जरूरत होगी तो करेंगे, अगर कोई प्रश्न होगा तो उसको भी टेकअप करेंगे। जी, तो अभी 10 मिनट सब लोग अपने में देखें या प्रश्न लें, मैं समझी नहीं, अपने में देखने का काम करें जी, जी, क्योंकि जी, तो बहुत काम है इसमें। जी 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 बिल्कुल ठीक ठीक है। तो ये अगले 10 मिनट हम अपने अंदर देखें और ये जांचें कि हम इन सब लेवल्स में से हम किस लेवल पे ज्यादातर हमारा फोकस रहता है। 10 मिनट के लिए हम लोग म्यूट कर देंगे और फिर वापस इस पे आएंगे। जी नमस्ते, बताइए क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? फिर नमस्ते सर। जी नमस्ते। ये 2015 में मैंने किया था वर्कशॉप, तो उससे कुछ कुछ समझ में आया, फिर देहरादून चला गया तो यूट्यूब देखा तो और समझ में आया, इधर ये वर्कशॉप करे तो और समझ में आ रहा है। तो समझ में तो ये आ रहा है कि पहले तो सूचना मिल गई, तो अब अभी मैं देखता हूँ ये जो 6 केंद्र बिंदु हैं, तो मैं देखूं तो 2 से लेके 6 के बीच में ही जी रहा हूं मैं, लेकिन मेरा जो जीना है, जब मैं कहीं फंसता हूं या जब मैं सोचता हूं तब मैं सहज स्वीकृति पे ध्यान जाता है मेरा, अच्छा अच्छा यहाँ, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सुख जो प्रभाव है स्वभाव है तो मैं निकल ही नहीं पाता हूँ। एकाध लोग ऐसे हैं जैसे जिंदगी में जिनको देख के थोड़ी चिढ़न होती है, वहां मैं सहज स्वीकृति लगा ही नहीं पाता हूँ, मेरा मैं बार बार लौट के वहीं आता है, विरोध के भाव में आ जाता है। परिवार में के अंदर तो मैं समझ जाता हूँ कि हाँ चलो वहां मैं सहज स्वीकृति लगा लेता हूँ, लेकिन परिवार के बाहर जिनसे मेरा एकाध लोगों से विरोध है, वहां मैं अपनी सहज स्वीकृति को नहीं केंद्रित कर पाता हूँ। तो ये मेरा मतलब यहाँ से अब तक आकलन है मेरा। और भैया इसके अलावा मेरे एक दो सवाल और हैं, मतलब जो अभी मेरे यहाँ ना कि ह्यूमन वैल्यू 2 चल रहा है वर्कशॉप, तो पहले तो अब क्या है ना, जैसे तो वर्कशॉप अटेंड कर रहा हूँ वैसे वैसे कुछ कुछ चीजें निकल के आ रही हैं, ध्यान आकर्षित हो रहा है धीरे धीरे, तो क्या मैं उससे एक सवाल पूछ सकता हूँ? उस पर आते हैं सवाल पर, अभी संगीता जी का भी सवाल मैंने रोक रखा है, तो अभी तो कुछ एक्सपीरियंस इस बात पर शेयर, जैसे ये आपने बहुत अच्छे से बताया कि कहाँ पर हम खड़े हैं है ना, और क्या कठिनाई हो रही है, ऐसा और लोग जो शेयर करना चाहते हैं, कुछ लोगों का माइक हमने ऑलरेडी ऑन कर दिया है अपनी तरफ से। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते। तो मैं जो देख पा रहा हूँ, जब आपने इंग्लिश सेशन में शेयर किया था तभी से मैं अपने को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये देखा कि जो लास्ट स्थूलतम स्तर है सुविधा, वो तो शायद यूएचवी के पहले भी नहीं था। जब टीनेजर था तब शरीर पर केंद्रित था, और फिर धीरे धीरे यूएचवी से जुड़ने के बाद स्टेप 4 और केंद्र 4 और 3 के बीच में था काफी दिनों तक, लेकिन अभी जब मैंने बड़े ध्यानपूर्वक देखा है पिछले कुछ महीनों से जो अपने आप को देख रहा हूँ, तो ये दिखाई दे रहा है कि 2B में काफी हद तक स्थिर बन रहा है, कभी कभी संवेदना में चले जाता है, लेकिन जो दूसरों से भाव पाकर स्वयं में भाव स्थिर, ये जो स्थिति है ये ऑलरेडी इससे आगे पहुंचा हुआ मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, लेकिन 2B से आगे जाने की जो स्थिति है, तो सह अस्तित्व और शून्य को तो अभी शायद देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सह अस्तित्व ये बहुत कभी कभी फ्लैश कर जाता है, कुछ पर्टिकुलर स्थितियों में ये फ्लैश कर जाता है,
तो अभी मुझे तो लग रहा है कि मैं तू भी जो है मान्यता और संस्कार, इसमें सिर्फ एक बात ध्यान में आ रही है कि ये जो संवेदना से मतलब पर्टिकुलरली खाने के बारे में, तो जब भी डिसीजन होता है कि क्या खाना है, आज क्या खाना है, ये जब प्रश्न पूछा जाता है तो बहुत बार संवेदना ही संवेदना के आधार पर ही वो डिसीजन हो रहा है। तो अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये मेरा केंद्र संवेदना बना रहता है उस समय, या फिर ये एक मान्यता या संस्कार बन चुका है, ये मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन देख यही पा रहा हूँ कि 2B में मेरी स्थिति बनी हुई है। जी सर, बात है इतना साफ साफ देख पाना कि कैसे हमारी जर्नी जो है 6 से 5, 4, 3, 3 में भी 3B से 3A और अभी 2 के 2B में जी है, इसको इतना साफ साफ देख पाएंगे तो फिर आगे का गति करने के लिए काम करेंगे ही। अच्छी बात है, इसमें देखिए 2A पर तो काम शुरू हो जाता है क्योंकि हम लोग जो जांच परख कर रहे हैं, एक तो ध्यान देने का काम कर रहे हैं स्टेप 1 में, एक्सरसाइज 1 के स्टेप 1 में जब ध्यान देने का काम कर रहे हैं तो 3 बातें कह रहे हैं, एक तो हमको होश में रहना है, अवेयर होना है, दूसरा कह रहे हैं कि हर क्षण अवेयर होना है, और तीसरा कह रहे हैं कि कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। तो इतना को अगर करने जाएंगे तो आपको 2A में पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि 2A में नहीं है और देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने संस्कार के आधार पर आप प्रतिक्रिया करने लगेंगे। तो डायरेक्टली ध्यान ना भी जाए लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग जो स्टेप 1 का काम कर रहे हैं वो अपने को दृष्टा की जगह पर खड़े होकर, साक्षी की जगह पर खड़े होकर बाकी अपने सारे 2B में जो चल रहा है उसको देखने का काम कर रहे हैं। तो एक जगह पे तो शिफ्ट हो गया है लेकिन उसका ग्लिम्स मिलता है, उसके आधार पर 2B पे काम चलता है, ज्यादा ध्यान 2B पर है तो ये भी अच्छी स्थिति है। धीरे धीरे अपने को शिफ्ट होना है 2A में और वहां से 2B को देखना है, वही काम कर ही रहे हैं। एक्सरसाइज 1 को देखेंगे तो बेसिक काम यह है कि हम 2A में खड़े होकर 2B को देख रहे हैं, कल्पनाशीलता को भी अपनी मान्यता को भी। फिर जी सर, और ये बात भी ध्यान आ रही है कि जो UHV2 के फेस टू फेस वर्कशॉप हुए थे पिछले साल, तो वहां पर तब तक मैं दूसरों से भाव पाकर सुखी होने का जो 3B है वहां पर काफी हद तक था, लेकिन उसके बाद जो है ये जर्नी आगे बढ़ी, फिर अपने में भाव 3A तक पहुंच गया, और 3A से ऊपर आने के लिए जो कानपुर में 3 दिन का मीटिंग हुआ था तो वो मीटिंग काफी सहायता उसकी हुई है मुझे, तो 3A से लेकर 2B तक पहुंचने में इसका काफी आधार बना रहा और उसके लिए UHV का काफी आभारी हूं मैं, धन्यवाद। अब ये विश्वास तो है कि इस जर्नी के साथ एक निश्चित स्तर पर नंबर मतलब फर्स्ट केंद्र पे हम पहुंच पाएंगे, इतना विश्वास तो है, हड़बड़ाहट नहीं है, चाहे इस लाइफ टाइम में हो जाए या अगली लाइफ टाइम की हो गया या और कुछ लाइफ टाइम लगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। जी सर, नमस्ते कुमार जी। अच्छी बात यह कि अपने पास एक यार्डस्टिक है कि हम कैसे अपने को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और इस यार्डस्टिक से देखते हैं तो ये एक अनुमान तो लगता ही है कि हाँ हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, गति कर रहे हैं, और एक उससे रोड मैप भी मिलता है कि किधर गति करना है, और जब कभी नीचे आ जाते हैं फिसल कर तो वो भी पता चल जाता है कि नीचे फिसल कर आ गए, है कि नहीं। बढ़िया, बहुत अच्छा जी सर, थैंक यू सर जी। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते भैया। संवेदना
का जो भाग है, मतलब सुविधा, शरीर और संवेदना, तो हम दिन भर में जो कार्य करते हैं वो संवेदना से ही करते हैं। मतलब खाना बनाना है, काम करना है, तो आंखों से देख के ही और सेंसेशन से ही होता है। तो उसमें जब काम चल रहा है तो वो भाव भी अभी दिख रहे हैं, मतलब पहले ऑब्जर्वेशन नहीं था, अभी मॉर्निंग सेशन की वजह से वो भी ऑब्जर्वेशन आ रहा है, फीलिंग के ऊपर भी काम हो रहा है, लेकिन जो संस्कार दिख रहे हैं, दिख तो रहे हैं लेकिन उससे बाहर आने का मतलब सिर्फ उसको ऑब्जर्व ही हो रहा है, लेकिन सिचुएशन आने पे वो ट्रिगर हो जाता है और रिएक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं कैसे वर्कआउट करूं? उसके लिए तो हम लोग सारा काम कर ही रहे हैं कि एक बार जो जांच परख कर रहे हैं कि ये जो भाव है वो सहज है कि असहज है, सुखद है कि दुखद है। से दो काम हो रहा है, एक तो भाव ठीक हो रहा है, सेट हो रहा है। दूसरा काम ये हो रहा है कि उसके पीछे संस्कार जो है वो भी मूल्यांकित हो रहा है। हाँ, है ना। हाँ, वो बहुत कॉन्शियसली अभी नहीं कर रहे हम लोग उसको। Okay. बट वो जो भाव आया था वो किसी संस्कार से आया था ना। हाँ, वो दिख रहा है। भाव का मूल्यांकन किए ये तो उसके पीछे का जो संस्कार है उसका भी मूल्यांकन होना शुरू हो जाता है। और वो संस्कार जो है अगर सही है तो उसकी कंटिन्यूटी बनने लगती है, अगर सही नहीं है तो वो कमजोर होने लगता है या गिर ही जाता है। तो ये प्यूरिफिकेशन ऑफ संस्कार का काम चल रहा है। अभी धीरे धीरे ये होगा कि ये देखते देखते आपका सूक्ष्मता इतना बढ़ेगा कि आप उस भाव के पीछे के संस्कार को भी सीधा सीधा देख पाएंगे। अच्छा, तो संस्कार सीधा दिखेगा तो सीधा सीधा संस्कार का मूल्यांकन भी हो पाएगा। तो आपको दिखेगा कि हम संस्कार का परिमार्जन भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भाव वाले से ही शुरू करते हैं। भाव को देखें, भाव का मूल्यांकन करें, है ना, उसका प्यूरिफिकेशन करें, तो उससे संस्कार वाला काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। हाँ भैया, लेकिन आगे चलकर हम लोग का सूक्ष्मता बढ़ेगा तो हम संस्कार को भी सीधा सीधा देख पाएंगे। संस्कार को सीधा देख पाएंगे तो उसको भी प्यूरिफाई कर पाएंगे। बट अभी इनडायरेक्टली तो काम चल ही रहा है। हाँ, संस्कार दिख रहे हैं, उसका मतलब उसका ओरिजिन भी समझ में आ रहा है और उसके ऊपर काम चल रहा है भैया, जैसे आप बोल रहे हैं। ठीक भैया, बढ़िया। नमस्ते भैया। नमस्ते। हाँ, कृष्ण गोपाल बोल रहा हूँ भैया। जी भैया, यूएचवी से जुड़ने के पहले जो मैं प्रोसेस कर रहा था वहाँ पर ये इस तरह का मैं देख पा रहा हूँ। काफी समय से कर रहा था मैं तो, मैं साक्षी दृष्टा के साथ अपनी कल्पनाशीलता को देखने का और शरीर या शरीर की जो क्रियाएं हैं उसको देखने का कार्य, संवेदना और शरीर की जो क्रियाएं हैं उनको देखने का कार्य मैं काफी समय से कर रहा था। तो उसमें ये होता है कि जब हम बिल्कुल अलग से बैठ करके ज्यादातर इंद्रियों का उपयोग नहीं करते हुए ध्यान में बैठते हैं तो तब तो साक्षी दृष्टा से देख पाना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन उसके साथ साथ जब कोई क्रियाएं कर रहे हैं तो उन क्रियाओं को भी, जो चलने की क्रिया है, खाने की क्रिया है, उसको भी दृष्टा भाव के साथ करते हैं, लेकिन कई बार वो करते करते जो भाव, विचार, आशा है उसको जब हम देख रहे हैं तो उसी के अंदर डूब जाते हैं और दृष्टा का ख्याल चला जाता है। उसी तरह से जब संवेदना, कोई तीव्र संवेदना है और उसको हम आस्वादन कर रहे हैं तो भी उस समय वापस साक्षी कोशिश करते हैं कि अवेयर होकर के उसको भी देखें, लेकिन उस संवेदनाओं को भोगते भोगते उसी में खो जाते हैं और दृष्टा चला जाता है। ये स्थिति तो पहले की स्थिति बता रहा हूँ। अभी जब मैंने ये शुरू किया तो इसमें एक बात और ऐड हुई है कि दृष्टा के साथ में जो ये संस्कार हैं इनको देखने का काम हो रहा है, लेकिन ये जो
पूर्णतया दृष्टा में स्थित होने की जो बात है, जैसे किसी पार्टी में गए कुछ समय तक तो दृष्टा भाव चलेगा, लेकिन कुछ ऐसी मित्र मिल गए उनमें हम बातों में चले गए तो दृष्टा खो जाता है, मालूम पड़ता है कि एक घंटा डेढ़ घंटा कैसे निकल गया, मैं देख ही नहीं रहा था और उन्हीं चीजों में मैं पूरी तरह चला गया हूँ। ये चीजें दोनों तल पर हो रही, संवेदना के तल पर भी और भाव के तल पर भी दोनों चीजें हो रही हैं। लेकिन अभी जो नया काम शुरू हुआ है यूएचवी को करने के समझने के बाद, तो मैं अपने दृष्टा से अपने संस्कारों को देख पा रहा हूँ, और जब उनको देख रहा हूँ संस्कारों को, तो समझ में आ रहा है कि ये मेरी मान्यताएं हैं, और प्लस संवेदनाओं को भी देख पाता हूँ, लेकिन संवेदनाओं की तरफ जाता नहीं हूँ, अवेयरनेस जब तक बनी रहती तब तक। ये मुझे अभी स्थिति लग रही, लेकिन सह अस्तित्व और शून्य के बारे में भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और मैं मेरी जो यात्रा है या जो गति है वो यहीं पर ही रुकी हुई है कई सालों से। नहीं, रुकी हुई है और अभी आप कह रहे हैं कि कुछ गति हुई, दोनों बात नहीं, मतलब इसी में चल रहा हूँ। मतलब पूर्णतया दृष्टा या साक्षी सद नहीं रहा है, बार बार ये कभी भाव में चला जाता है और वहां उलझ जाता है, कभी संवेदनाओं में जाके उलझ जाता है। लेकिन अभी जो नया काम शुरू जो हुआ, मैं उसके पीछे भाव और संवेदना के पीछे जो मान्यताएं हैं मेरी, उनको मैं देख पा रहा हूँ। अच्छी बात है, ये दो महीने से ये कर पा रहा हूँ मैं, उसके पहले वो जो मैंने बताया वही चल रहा था। तो ये साक्षी दृष्टा में पूरी तरह से स्थित होना नहीं हो पा रहा है, दृष्टा खो जाता है जब भी कोई तीव्र संवेदना या तीव्र भाव होते हैं, नॉर्मल में नहीं होता है। ठीक बात है, देखिए ऐसे धीरे धीरे ही गति होगी, है ना, क्योंकि इकट्ठा तो हम लोगों ने बहुत समय से किया है, तो जब उसको ठीक करने जाएंगे तो उसमें समय तो लगेगा, क्योंकि कितना कुछ इकट्ठा है उसका हिसाब किताब भी नहीं हमारे पास अभी तो। लेकिन मैं कहाँ चूक रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस तो मैं कम से कम 20-22 साल से कर रहा हूँ दृष्टा के साथ भाव और संवेदनाओं को देखने का। देखिए मतलब समय कितना भी लगे, 20-22 साल है ना, एक तो बात यह है कि हम कर क्या रहे हैं काम, है ना, एक तो ये मुख्य बात है। तो अभी अगर दृष्टा की जगह पर होने का और वहां से अपने भाव विचार को देखने का और उसके पीछे के संस्कार को देखने का काम अगर हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर टाइम का मुद्दा है कि टाइम कितना लगेगा, ठीक है ना, तो टाइम इस पर भी डिपेंड करेगा कि हमारे कितने संस्कार हमने इकट्ठा कर रखे हैं पहले से, तो वो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये दोनों एस्पेक्ट को जोड़कर देखेंगे कि हम प्रोसेस क्या यूज कर रहे हैं, हमारे प्रोसेस की इंटेंसिटी क्या है, और अभी तक हमारा एक्युमुलेटेड संस्कार कितना है, ये सारे के योगफल में जो है गति हमारी होगी। समय का निर्धारण भी उसी आधार पर हो पाएगा। तो अगर आपको लगता है कि प्रोसेस आपका सही है, पहले भी सही था अभी भी सही है, आपको ये लग रहा है कि आप इंटेंसिटी से उस काम को कर रहे हैं, है ना, तो उसके बाद भी अगर समय लग रहा है तो फिर उसका आशय यही निकलेगा कि फिर बहुत सारे संस्कार हैं अपने इकट्ठे, जिसको अपने को धीरे धीरे साफ सफाई करनी। मैं केवल आपसे ये मार्गदर्शन चाह रहा हूँ कि मेरे प्रोसेस में कहीं चूक हो रही तो मैं उसको कैसे चेक कर सकता हूँ। कोई कह रहा हूँ, प्रोसेस तो हम लोग बार बार रिपीट करके कह ही रहे हैं कि हम लोग के हिसाब से क्या प्रोसेस हो सकता है, और हम लोग बार बार ये भी कह रहे हैं कि ये एक प्रोसेस है जिससे काम हो सकता है, है ना, तो इस प्रोसेस के बारे में कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो दे सकते हैं, इससे अन्यथा जो प्रोसेस आप प्रयोग कर रहे हैं अगर तो उसके ठीक तो, क्या गलत के बारे में अभी हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। अभी मैं यही कर रहा हूँ और इससे मैं थोड़ी अपनी गति वापस देख रहा हूँ। पिछले दो महीने से जो प्रोसेस अभी समझा है यूएचवी में समझा, उसी प्रोसेस को ही कर रहा हूँ और कोई प्रोसेस अभी नहीं कर रहा हूँ, और उसकी गति भी मैं थोड़ी देख पा रहा हूँ दो महीने से। तो दो महीने के हिसाब से देखेंगे तो गति ठीक है मैं कहूंगा। देखिए टाइम तो लगेगा क्योंकि बहुत सारा इकट्ठा है अंदर, तो और आगे टाइम लगेगा, बहुत सारा ऊपर नीचे होगा, बहुत बार लगेगा कि बहुत गति हो गई, फिर लगेगा कि कहीं नहीं गति हुई, फिर फंस गए हम वहीं आ गए, सब चलेगा अभी।
क्योंकि हमारा स्टॉक तो बहुत है, बहुत स्टॉक है। अभी तक मुझे टू स्टेप टू तक समझ में आ रहा, स्टेप एक के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसके बारे में आप कुछ मार्गदर्शन करेंगे? भाई उसके बारे में तो तीन बातें कही कि जब हम अपने में साक्षी की जगह दृष्टा की जगह से देखना शुरू करते हैं ना, तीन चीजें देखने की है, एक तो संबंध, एक व्यवस्था, एक सहअस्तित्व। तो संबंध है, संबंध ही सह स्वीकार होता है, व्यवस्था है, व्यवस्था ही सह स्वीकार होता है, सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व ही सह स्वीकार होता है। इसको हम दृष्टा की जगह से देखेंगे, एक तो सहज स्वीकार होता है इस रूप में, और फिर वो है क्या इस रूप में, है ना? तो संबंध क्या है उसको देखना है हमको सीधा सीधा, व्यवस्था क्या है इसको देखना है, और सहस्तित्व क्या है इसको देखना है। और सहस्तित्व को जब देखने जाते हैं तो शून्य क्या है, है ना, व्यापक वस्तु क्या है, ब्रह्म वस्तु क्या है, उसको देखना है। तो ये क्रम से देखने का काम हमारे पास है, संबंध को, व्यवस्था को, सहअस्तित्व को, ठीक है ना। संबंध को जब देखने जाते हैं तो हमारा दूसरे मनुष्य के साथ, दूसरे मानव के साथ संबंध है कि नहीं है, संबंध का भाव हमको सहज स्वीकार है कि नहीं, इसको देखने का काम करेंगे। इसी तरह से शेष प्रकृति के साथ हमारा संबंध है कि नहीं है, इसको देखने का काम करेंगे। इसी तरह से जब हम व्यवस्था की जगह पर देखने जाएंगे तो हम स्वयं में व्यवस्था है कि नहीं है, दूसरी इकाई स्वयं में व्यवस्था है कि नहीं है, ये सब को देखने का काम करेंगे। और जब सहअस्तित्व को देखने जाएंगे तो ये सारे इकाई का होना, मेरा खुद का होना शून्य के सहअस्तित्व में है कि नहीं, दूसरे इकाई का होना शून्य के सहअस्तित्व में है कि नहीं, सभी का होना शून्य के सहअस्तित्व में है कि नहीं, इसको देखने का काम करेंगे। संबंध और व्यवस्था को देखने का कार्य तो मैं कर पा रहा हूँ, मुझे समझ में भी आ रहा है, लेकिन शून्य या सह अस्तित्व के लिए कैसे करें कि जिससे संबंध और व्यवस्था तो समझ में करेंगे हम लोग। अभ्यास तीन को इसीलिए अभी रोक के रखे हम लोग, थोड़ा अपना 2A में रहने का अभ्यास थोड़ा बढ़ जाए, वहां से देखना शुरू करें, ये सब संबंध व्यवस्था से अस्तित्व पर एक मोटा मोटी ध्यान चला जाए, उस पर काम शुरू हो, तब फिर अपनी एक तैयारी हो जाएगी, तब फिर करेंगे उस पर काम। थैंक यू। उसको एक्सरसाइज 3A में करना, 3 में करना चाह रहे हैं आगे। उस पर सुबह ही प्रश्न पूछा गया था अंग्रेजी वाले सेशन में, तो उसको मैंने रिस्पॉन्ड किया था कि एक तो हम लोग अपना फॉर्मुलेशन का काम कर रहे हैं इसके लिए, इस अस्तित्व को कैसे देखना है, सुनने को कैसे देखना है, उसके क्या स्टेप्स होंगे, और दूसरा आप लोगों की तैयारी भी कर रहे हैं उसमें, ताकि आप लोग भी देखने वाले काम को कर सकें। अपने में 2A की जगह पर होंगे तब ये 1 पर ठीक से काम हो पाएगा। ये अभी जो इंग्लिश सेशन में आपने जो बताया उसको थोड़ा सा बता सकते हैं क्या, क्योंकि मैं इंग्लिश सेशन में नहीं था। नहीं, उस पर डिटेल नहीं करते अभी, थोड़ा टाइम कम है अपने पास, 15 मिनट करीब बचा है, तो उस पर मैंने बस एक लाइन में मैं बता देता हूँ। मैंने ये कहा था कि एक्सरसाइज 3 पर कब काम शुरू होगा, ऐसा गीता जी ने पूछा था, या क्यों नहीं हम लोग शुरू करते, तो मैंने उस पर 2 बातें सिर्फ कही थी। एक तो ये कहा था कि एक्सरसाइज 3 में क्या स्टेप्स होंगे, किस क्रम में बातों को रखा जाएगा, है ना, किन वस्तुओं को ऑब्जर्व करना है वो, और उसको किस क्रम में करना है वो, और उसके फाइन स्टेप्स क्या होंगे, इसको अभी हम लोग वर्कआउट करने का काम कर रहे हैं कुछ समय से, कुछ समय का मतलब पिछले 2 साल से ही कर रहे हैं, तो उसके रिफाइनमेंट का काम अभी हम लोग कर रहे हैं अपनी तरफ से, एक तो ये, और दूसरा ये कहा था कि आप उसको देख पाएं, जो बात हम ध्यान दिलाएंगे आपको, आप उसको अपने में देख पाएं, उसके लिए आपका अपना भी एक सूक्ष्मता चाहिए। और सूक्ष्मता का मतलब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2A की जगह पर अगर आप होंगे तब तो आप उस अस्तित्व को देखने वाला जो काम है उसको कर पाएंगे, उसके संदर्भ में जो स्टेप्स बताए जा रहे हैं उसको कर पाएंगे। अगर उस सूक्ष्मता की जगह पर नहीं है तो फिर आपको देखना अपने में मुश्किल होगा। तो हम लोग जो बात रखेंगे भी आपसे देखने के लिए कहेंगे, वो काम बहुत हो नहीं पाएगा। तो आपकी सूक्ष्मता बढ़े 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, और 2 में भी 2A पर अगर पहुंच जाएं आप,
तब उसको देखने का काम हो सकता है। तो उस दृष्टि से भी आप लोग के साथ अभी अपन मेहनत कर रहे हैं, करीब 1000 लोग तो इस पूरी प्रक्रिया से गुजर गए हैं, उनमें से 100-200 लोग है ना इस 2A की जगह पर काम उनका शुरू हो गया होगा, तो उनके साथ अभ्यास 3 पर काम हो सकता है। तो दोनों ही हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं उसके स्टेप्स को प्रॉपरली डिजाइन करने का और डिफाइन करने का, और दूसरा आपके साथ भी काम कर रहे हैं आपके संस्कार को बढ़ाने ऊपर ले जाने का, आपकी सूक्ष्मता को बढ़ाने का, तो उसके बाद करेंगे इसको एक्सरसाइज 3 पर काम। थैंक यू जी, बढ़िया ठीक है। तो अपने पास करीब 15 मिनट का समय बचा है, 13 मिनट का। एक तो मैं संगीता शुक्ला जी का प्रश्न को रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। हाँ ठीक है संगीता जी, अभी एक बार आप फिर से बता दीजिए, आपने ये कहा था कि आपके परिवार के लोगों के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन चलता रहता है, वो हमारा कंसर्न का नहीं रहता, फिर भी हमारा ध्यान उस पर बार बार क्यों चला जाता है, यही प्रश्न? जी भैया जी वही देखिए, इस पर हम लोग बहुत जो जनरल चर्चा किए हैं वो ये है कि हम जिस चीज को महत्वपूर्ण मानते हैं उस पर ध्यान देते हैं, तो लोगों में जो चर्चा हो रही है उसको कहीं ना कहीं हम महत्वपूर्ण मानते हैं इसलिए ध्यान जाता है हमारा। महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे तो नहीं जाएगा ध्यान। नहीं तो उसमें मैं अपने किसी संस्कार के कारणवश ऐसा मैं कर रही हूँ, या मतलब मैं उस चीज को अपनी हार्मनी में रहने के लिए मैं क्या करूँ उसके लिए? वही तो देखिए, अभी क्या है कि हम ये जो बात हुआ ना कि जैसा हमारा संस्कार होता है वैसा ही हम चीजों को महत्वपूर्ण मानते हैं। अच्छा, तो अभी तक का जो संस्कार है उसके तहत हम ये मानते हैं कि ये जो दो लोग बात कर रहे हैं ये हमारे जीने को प्रभावित करने वाला है देर सवेर, इसके क्या हो रहा है इसको हम ध्यान दें। हाँ हाँ, इसलिए ध्यान जाता है ठीक है ना, लेकिन वो ध्यान जाता है तो उससे हार्मनी बिगड़ रही है। हाँ, जिस चीज को रोकने के लिए हम ध्यान दे रहे थे वही चीज हो रहा है। जी जी जी, तो मुद्दा था कि हार्मनी हमारी बिगड़े नहीं आगे चलकर, और उसके लिए भी हार्मनी को बिगाड़ रहे हैं ये। हाँ, अगर साफ हो जाए तो हम ये तय कर सकते हैं कि भाई अभी जो भी बात वो लोग कर रहे हैं हमको तो अपनी हार्मनी में रहना है। जब हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे तब ही हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम हार्मनी में बने रहें। जी भैया, कम से कम अभी तो हम हार्मनी को बनाए रखें। हाँ, ये अगर हम तय कर पाएंगे तो फिर अपने हम उसको बनाए रखेंगे हार्मनी। ठीक है, तो मेरे को घर में नहीं कहीं भी बात हो रही है हम तय करेंगे कि हमको ध्यान देना है कि नहीं देना है, ध्यान देना होगा तो देंगे। ठीक है भैया, तो उस बात में मेरे को ये देखना है कि मतलब उनका मैं अपने आप से कैसा संबंध स्थापित करूं जिससे मैं हार्मनी में रहूं। हाँ, अपने से कैसे संबंध स्थापित करें ताकि हम हार्मनी में रहें, एक बात हुआ, और फिर उनके साथ संबंध का क्या स्वरूप होगा ये हमको स्पष्ट हो तो हम उनके साथ भी हार्मनी में रह सकते हैं, वो चाहे वैसा भी व्यवहार करे। हाँ, है कि नहीं? हाँ ठीक है भैया। तो जैसे आप कोई भी प्रश्न पूछे हम लोग प्रश्न पूछने को अलाउ करते हैं, क्योंकि हमको इस बात का आश्वस्ति है कि आप जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब हमारे पास होगा, है ना, तो हम जवाब दे देंगे, नहीं होगा तो हम बता देंगे कि नहीं है जवाब, है ना, उससे हम परेशान नहीं होंगे। ये हमको अगर अपने में विश्वास है तो हम आपके साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रश्न पूछने के लिए अलाउ कर सकते हैं। बिल्कुल भैया, अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम कहते कि भाई सिर्फ इसी तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अन्यथा पूछे नहीं जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भैया, मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि मैं उसको कैसे अपने आप में हार्मनी को रखूं। ठीक है, रविंद्र जी को
पूछ लेते हैं अगर उनका कोई प्रश्न है तो, या कोई ऑलरेडी बोलना चाह रहे हैं तो बता दें। नमस्ते भैया, कैन आई स्पीक? जी बताइए। हाँ नमस्ते, थोड़ा कुछ लिख लिया है, मैं इंग्लिश में बात कर लेती हूँ। माई स्टेटस, करंट स्टेटस इज हैप्पीनेस इज नॉट कमिंग विद इन, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट। द इश्यू विच इज टेकिंग प्लेस इन द हाउस, आई डिस्कस्ड विद शर्मिला दीदी देर, आई एम बिकॉज ऑफ शर्मिला दीदीज हेल्प आई एम एबल टू सी द सिचुएशन इन टोटैलिटी। I could neither help myself nor my husband nor the others. My agony would have continued in this situation without Sharmila Didi's help. These rifts are happening time and again in ye to ek issue hai. Now I have to continue my ongoing journey and coming back to swabhav hai ya prabhav hai by observing myself carefully all the time. I have to try to improve my ability, that is confidence, to see the total self situation. So ye chart mein aapne kal jo advice kiya hai wo bilkul theek hai, ye chart to zyada clarity ban rahi hai mujhe. So I have to try to improve my competency by looking at the situation in totality. That is, I should come to an observer position. So observing my expression to the outside world through my sensory organs or through my mind. So there some rift is happening. Bhaiya, main kya bata rahi hu? Am I able to make my stand clear? So the expression part is missing in me. That is what I am expressing to the outside world and what I am expressing in the mind. There is some conflict. I have to work on that. In this scenario, I want your guidelines. देखिए ये जो inconsistency जितने भी होते हैं ना, वो basically तो कल्पनाशीलता में ही है, ठीक है, imagination में है, और उसके पीछे देखेंगे तो संस्कार में है। तो रिजॉल्व तो ऐसा ही करना पड़ेगा कि पहले कल्पनाशीलता को, फीलिंग को ठीक करें, कल्पनाशीलता को ठीक करें, धीरे धीरे उसके पीछे जो संस्कार है उस पर भी ध्यान जाएगा, उसको भी ठीक करें। ये करते रहेंगे तो जो बाहर का एक्सप्रेशन है वो तो ठीक हो ही जाएगा। बाहर के एक्सप्रेशन पर बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है, अपने इमेजिनेशन पर फोकस करना है और उसके पीछे जो संस्कार है उसको फोकस करना है, है ना। और ये दोनों को ठीक करने के लिए यही है कि ये सब जो देखने का काम कर रहे हैं हम, वो दृष्टा की जगह से करें, प्योर ऑब्जर्वर की जगह से करें। तो इतना करेंगे, प्योर ऑब्जर्वर की जगह से देखेंगे तो भाव विचार में जो भी कम बेसी है वो ठीक होने लगेगा, उसके पीछे जो संस्कार है वो भी ठीक होने लगेगा। वो जितना ठीक होगा उतना व्यवहार तो ठीक होगा ही। okay. जो बाहर का एक्सप्रेशन है वो ठीक होने लगेगा। तो बाहर के एक्सप्रेशन पर बहुत काम अभी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ज्यादा काम इसके लिए करना है कि अपन 2A में बने रहें, वहां से 2B को देखते रहें और उसको ठीक करते रहें। 2A तक पहुंचा ही नहीं भैया, मैंने तो 3A तक भी नहीं पहुंचा है, 3B तक ही रही। वही वो पहुंचा, देखिए जब भी आप ऑब्जर्वर की तरह देख रहे हैं तो 2A से ही देखना पड़ता है। बिना रिएक्शन के अगर देखना होगा ना, तो आपको 2A की जगह पर ही रहकर देखना पड़ेगा, नहीं तो आप रिएक्ट करने लगेंगे। 2B में आए तो रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है भैया, आई एम एबल टू सी देयर आई एम, let yes. me see where I'll go. So इतना तो मुझे बहुत ही हेल्प मिला है UHV से, जुड़ना ही चाहता हूँ फर्दर। थैंक यू शर्मिला दीदी भैया, एंड आई शुड नॉट फॉरगेट कुमार भैया, थैंक यू। आई एम इन्वॉल्व्ड इन वॉलंटियरिंग ऑल्सो भैया, ऑफ लेट आई एम डूइंग द वॉलंटियरिंग वर्क ऑल्सो, दैट ऑल्सो इज हेल्पिंग मी अ लॉट। That is very hopeful, very useful.
that you are meaningfully contributing to the work in the society as well as you are, you know, working for your self-development. Yes, yes, definitely. Yes. Thank you so much. This much is my reflection. Thank you very much. We can take one more question. We have Naresh Kumar ji. Yes. भैया नमस्ते, आवाज आ रही होंगी? नमस्ते जी जी, आ रही। जैसे कि अभी डिस्कशन हो रहा है और देखने का काम भी हुआ है, और ये देखा, मैं खुद में देख पा रहा हूँ कि ज्यादातर जीना जो है वो जब मैं शरीर के बारे में या कहेंगे खाने के बारे में अगर सोचूंगा तो संवेदना के स्तर पे ज्यादा काम हो रहा है या संवेदना के स्तर पे ही निर्णय हो रहा है, और जब संबंध के बारे में देखता हूँ तो दूसरों से जो भाव है तो वो काफी हद तक वो समझ में आ रहा है कि दूसरों से भाव जो है वो बाहर से कितना है और खुद में कितना है, तो उस पे भी काम हुआ है। स्वयं से जो भाव है उस पे ज्यादा अभी ध्यान जा रहा है। और मेरा क्वेश्चन ये था भैया कि जब मैं मान्यता या स्वीकृति के स्तर पे जाता हूँ तो जब तक मैं हार्मनी में हूँ तब तक मेरी मान्यता हो या संस्कार हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, या हम कहेंगे कि डिसहार्मनी नहीं बनती, बट जब मैं डिसहार्मनी में जाता हूँ तब मुझे समझ में आता है कि ये मान्यता गलत है, और फिर संवेदना और संबंध ये स्तर जो है ये जीने में ज्यादा है फिर भी, और मान्यता दिखाई तब देती है जब डिसहार्मनी में आता हूँ, तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि जब मैं हार्मनी में हूँ तब भी समझ में आ जाए कि ये मान्यता है और इससे जो कुछ भी संवेदना या भाव मिल रहा है वो सही है अभी बट ये गलत हो सकता है। समझ में आ रहा है भैया मेरा क्वेश्चन? जीना तो अपने को ये सब छह जगह पे उभरता है ना। हाँ, लेकिन फोकस में क्या है वो बात कर रहे हैं हम लोग, केंद्र कहाँ है ना, सेंटर हाँ, कहाँ है, मतलब कहाँ पे हम केंद्र रखकर सारी चीजों को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम साक्षी को, दृष्टा को केंद्र में रखकर देखेंगे है ना, तो भी हम बाकी चीजें तो करेंगे ही, अपने संस्कार को देखेंगे, अपनी कल्पनाशीलता को देखेंगे, उसको ठीक करेंगे, संबंध पर ध्यान देंगे, संबंध में अपने भाव को सुनिश्चित करेंगे, उसको परस्परता में व्यक्त करेंगे, व्यक्त करते समय शरीर का प्रयोग करेंगे ना? और व्यक्त करने के लिए कोई सुविधा गिफ्ट में देना हो तो गिफ्ट भी देंगे, तो सभी जगह जीने का काम तो होगा, लेकिन फोकस में दृष्टा रहेगा, शुद्ध दृष्टा रहेगा। तो सवाल यह है कि हम उस जगह पर फोकस्ड है कि नहीं, सेंटर हमारा वहां है कि नहीं, उसके साथ संस्कार को देखेंगे, एक बात तो ये कहना है मुझे। दूसरा, ये जो जब सही चल रहा होता है तो संस्कार पर ध्यान नहीं जाता है, मान्यता पर ध्यान नहीं जाता है, उसको अब धीरे धीरे ध्यान देंगे तो वो ध्यान जाने लगेगा। अभी क्या है कि जो दुखद स्थितियां हैं उससे तो आप भाग नहीं चाहते हैं, तो इसलिए आपका संस्कार पर ध्यान चला जाता है। जो सुखद स्थिति है उस पर भागने का मुद्दा नहीं है, उस पर बने रहने का मुद्दा है ना, और वो चूंकि संस्कार सही है इसलिए उसकी सूक्ष्मता ज्यादा है, उसमें कोई अंतर विरोध नहीं है, उठापटक नहीं है, इसलिए वो सूक्ष्म है और आपका ध्यान नहीं जाता। बट इस काम को जारी रखेंगे तो धीरे धीरे उस पर भी ध्यान जाएगा, ये भी एक संस्कार है, एक मान्यता है और ये सही मान्यता है, ये ध्यान जाएगा, दिख जाएगा, तो फिर आप आश्वस्त हो जाएंगे कि भाई इसको तो बनाए रखना है, इसकी कंटिन्यूटी चाहिए अपने को। तो काम जारी रखें। ठीक है भैया, जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ेगी वैसे वैसे सुखद स्थिति में भी जो संस्कार है वो दिखेगा, लेकिन अब बहुत सारी चीजें नहीं दिख रही थी, अब धीरे धीरे दिखने लगी ना। हाँ, इससे ये भी नहीं दिख रहा, दिखेगा क्या? काम तो अपने पे करना ही, अपनी सूक्ष्मता ही बढ़ानी। बहुत अच्छा, सबको शुभकामना, सभी को नमस्ते।
नमस्ते सभी को।